बिशप क्लाइमेट जी जेड़े प्रोग्राम में कर रहे हैं 23 सितंबर नु और सॉरी जेड़ा सितंबर 2023 तारीख 19 और उधर समय जेड़ा है 4 बजे तो लेके 9 बजे तक है और इन्होंने प्रोग्राम का जेड़ा मकसद है ना वो आज के समय के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बाइबल है और इसका मकसद एक ही है जो टाइटल है हक नाल कहो हां मैं मसीही हां और इस विषय पे उस दिन 19 सितंबर को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक जेडी है वो गल्लबात की जाएगी जेडे इस प्रोग्राम के मेन प्रीचर है बिशप विजय क्लेमेंट होंगे और तुम सारे वो आप भी आए बिशप क्लेमेंट बिशप जी तुम अपनी जगह प्लीज खड़े हो जाएंगे और ये बिशप जी अपने वक्त में तुम इनविटेशन दे देंगे हालेलुया सबको जान सी और सबसे पहले मैं 2 मिनट लूंगा प्रचार के लिए बहुत सालों के बाद सुनने को कुछ मिला हालेलुया देखिए 22 सितंबर 2022 की बात है जब हमारे बीच में अमरिंदर पाल सिंह जी आए थे याद है अमरिंदर पाल सिंह को जानते हो जिन्होंने बहुत ज्यादा मसीहों को ललकारा था अमृतपाल जी ने जब मसीहों को ललकारा बहुत सारा सड़कों में आगे बहुत कुछ हुआ उसके बीच में मुझे एक दर्शन हुआ था कि हम सब बोले हमसे कहे कि हम मसीह और 22 सितंबर 2022 को मैंने 27 सितंबर 2022 को मैंने वीडियो भी डाला था फेसबुक पे और सबने सुना भी था बहुत सारे मैसेज भी आए थे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप करिए हम सब मसीह उस प्रोग्राम को करने के लिए हम एक साल लगा होगा प्रोग्राम बड़ा है छोटा नहीं है चर्च के प्रोग्राम हो जाते हैं इसी आ जाती है लेकिन यहाँ पे हक नाल कहो हाँ मैं मसीह आज कितने लोग मसीह हैं अभी हमारे चर्चों की देखें एक चर्च पूरे 20 लाख की गिनती बताता है मेरे चर्च की 20 लाख की गिनती है पंजाब के अंदर एक 2 लाख की बताता है 3 लाख की बताता है क्या हम मसीह में बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन मैं सोच रहा हूँ ना तक मेरी सोच है हम लोग बस बढ़ नहीं रहे दिन प्रतिदिन हम खत्म हो रहे हैं कम हो रहे हैं देर सब जाए चर्चों की गिनती कम हो रही है तीस से कम हो रही है भीड़ बढ़ गई है इसलिए ये जो प्रोग्राम जो है अब से कहिए हमें मसीह ये मसीहों के लिए प्रोग्राम आम जनता के प्रोग्राम नहीं है आम लोगों के लिए चर्च का प्रोग्राम नहीं है ये आप सबका प्रोग्राम और इसके बीच में आप लोगों को सबको एक एक इन्विटेशन लेटर मिल जाएगा लेकिन इसके बीच में रोम का मसीह नहीं आ रही बाकी सब गॉस्पल से कराएंगे इसके बीच में सोनिया गिल है और दीपक जॉनसन है और भारत गिल है मती तेजी है अभिषेक सिंह पैट्रिक है और भी आएंगे बीच में आ सकते हैं सबने बोला कि आएंगे हम लेकिन ये एक को छोड़ के सब लोग आए रोमका गिर रोमका मसीह ने बोला कि उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं आ सकते हैं पर्सनल उनकी इशू है हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती कुछ भी हो सकता है वो नहीं आएंगे उन्होंने फोन करके बोला नहीं आ पाएंगे इसलिए बाकी सब लोग आएंगे मेरी आपसे मसीह में प्रार्थना है आप सब लोग इस प्रोग्राम को कामयाब होने के लिए प्रार्थना क्योंकि जो कामयाबी होती है खुदा की तरफ से होती है 22 सितंबर नो दूसरा मसीह सम्मेलन दिन शुक्रवार शाम 6 बजे तो लेके 10 बजे तक जिहड़ा वो एकता नगर चुगिटी जलंधर बैक साइड जेसी रिसोर्ट विच कीता जाएगा जिहड़ा रिचर्ड पास्टर अशी फंबर
दिन शुक्रवार समा शाम 6 बजे तो लैके 10 बजे का और सामने खाने का भी इंतजाम है। तो तुम सारे ने पास्टर साहबान ने कलीसिया समेत समय सिर पहुँचने की कृपालता करनी है। तो ये जरा प्रोग्राम है मेन रोड से जे सी रिसोर्ट के बैक साइड से एकता नगर चिकिटी जलंधर किया जाएगा। सो हम मैं बेनती करना भी इनविटेशन प्रधान जी को देना चाहते हैं तो बड़े इनविटेशन लैके आए हैं जी है वो कन्वेंशन करते हैं और पहला इनविटेशन है कि कोई प्रोग्राम ना बनाए क्योंकि इसे एक महीना पहला इनविटेशन था पास नहीं करवा रही ज्यादा पहला इनविटेशन दिता ईटी से कह जाता लागे ने भी जांच करा लो ताकि लोगों को पता हो नवंबर 1-2 तारीख को बस्ती वीरदास पास्टर रणजीत मसीह के चर्च में 1 नवंबर से 2 नवंबर को शाम को ठीक 6 बजे तो लेकर 10 बजे तक सारे लोग खाने का इंतजाम है। तो जो दूर आए तो आया उन्होंने रहन का भी इंतजाम है। इन्होंने दिल वाला वाडा है नहीं तो जिन्हें मर्जी कलीसिया समेत लोगों को लेके आयो जो दूर तो आए उन्होंने रहन का इंतजाम जो लागे वाले है वो टाइम से आने ताकि टाइम से वापस चले जाए। चिंता नहीं करनी सिर्फ चादर लैके आने जी ओढ़नी है ठीक है। उस तो बाद सारिया कॉलगेट वगैरह साबण तेल दुध वगैरह जो कुछ भी जुड़ जाएगा पता मुहैया करेगा बारे में अभी मेरा सारे क्रिश्चियन पास्टर एसोसिएशन के फाउंडर चेयरमैन पास्टर एरिया के प्रति अगे होंगे और प्रार्थना करने का सारे प्रोग्राम करेंगे। पास्टर एलियाजर गिल जी प्रार्थना में रेकमेंड करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत शुरू करते हैं ये प्रोग्राम में और हौसला पंजाबी मिनिस्ट्री की अच्छी मीटिंग लिए और अच्छे बच्चों की दिलाता धनबाद करते हैं पिता जी। तो मैं प्रार्थना करता जिन्हें भी प्रोग्राम इस जगह से अनाउंस किए गए हैं खुदावन 19 तारीख का प्रोग्राम 22 तारीख का प्रोग्राम और जो साढ़े सीनियर पास्टर पास्टर रणजीत जी प्रोग्राम बता रहे हैं होर भी बहुत सारे प्रोग्राम जो इस जगह से अनाउंस किए गए हैं मैं खुदावन प्रार्थना करता हूँ सारे प्रोग्राम अपने थे लै और सफल कर और बच जाते ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों ने पास्टर ते डॉक्टर तरसेम सिंह सहोदर जी तुहाडे नाल दो चार गल्लां उन्होंने मन साझे करके सब का बड़े ध्यान नाल सुनिए। पास्टर ते डॉक्टर प्राइवेट पास्टर तरसेम सिंह सहोदर प्रभु यीशु दे पवित्र ते सामर्थ नाम दे रूपा नूं जाण सकी और मैं बहुत ही धन्यवादी हाँ जो तुसी आप सब ने आपका कीमती समा कढ़िया और अब होसना पंजाबी मिनिस्ट्री के इस मीटिंग मंथली मीटिंग में आए हो होसना पंजाबी मिनिस्ट्री की पूरी टीम आप सबका स्वागत करती है और धन्यवाद करती है और सच जो रूह के सच्चाई के नाल काम करते हैं ना तो परमेश्वर उत्थे काम करता है। हालेलुया हालेलुया जो अब पास्टर रूप जी ने वर्शिप किए क्योंकि जी अस मंथली मीटिंग करते हैं वो एक बड़ी परेशानी होती है और ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੋਸ ਨਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਥਾਮਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਗਦਾ।
एक जरूरी गल है कि बहुत सारे सेवकों के मैं फोन आते कि पादी साहब असी जगह लैनी है तो सानू फाइनैशियली जरूरत आ तुसी साडी 50,000 के लख रुपये सपोर्ट करो। मैं एक दो गल क्लीयर कर देनी चाहना कि असी अजे फाइनैशियली सपोर्ट किसी ने इस तरीके नहीं कर सकते। असी किसी को घर बना के अजे नहीं दे सकते, पर यह जरूर है तुहाडा वादा तुसी साडे लई प्रार्थना करो आने वाले समय, क्योंकि हर एक काम के लिए शुरुआत होंगी है और उस तो बाद स्टैप बाय स्टैप अगे बढ़ना होंगे। और यह वादा तुहाडे नाल कि हौसला मिनिस्ट्री तुहाडे लई एक काम भी मिला करेगी, हालेलुया। और दूसरी गल यह है क्योंकि असी बड़ी छोटी जी शुरुआत तो चले से असी पांच मेरे सत्त पास्टर से, मैं तुम छोटी जी गल दसना चाहना, पांच तो सत्त पास्टर से असी अलग हो गए जो प्रार्थना करते होंगे सके। तो प्रार्थना करन दे विच सिस्टर जी दे पास्टर रमेश मानकोट जी बीमार होए और असी किशनगढ़ दे विच पास्टर हरबंश जी कितने, हाँ जी असी किशनगढ़ दे विच कट्टे सके, साडी मीटिंग चल रही सी प्रेयर मीटिंग, जब असी प्रेयर मीटिंग करके उठे तो फोन आया कि पास्टर जी सीरियस है, उन्होंने अटैक होया तो वह मेरे ख्याल कैपिटल होस्पिटल श्रीमान जो एडमिट आ। तो असं उस कमें उस समय कट्ठे से, तो मैं एक गल की मैंने भी आप सारे जने 500 रुपया इकट्ठा करिए, क्यों ना असं भैन देखो जो प्रार्थना कर जाना असं इलाज तो नहीं करा कर सकते पर सपोर्ट के तौर पर तो असं उन्होंने कुछ दे के आइए, पर कुछ खुदा के ऐसे भी दस गए जिन्होंने उस टाइम उन्होंने गल का जवाब दिता नहीं नहीं इस गल की जरूरत नहीं। असं प्रार्थना ही करके आनी, प्रार्थना करनी साडा काम आ, सानू परमेश्वर ने प्रार्थना करनी ठहराया कि असं एक दूजे लिए प्रार्थना करिए। तो जो असं इकट्ठे हाँ तो सानू इसलिए भी परमेश्वर ने ठहराया कि जो कोई बीमार आ जो किसी की कोई बिग प्रॉब्लम आ तो असं खड़े हो जाइए, हालेलुया, क्योंकि असं मसीह में एक दूजे के भैन भरा हैं। तो जो असी नहीं खड़ा कौन साढ़े लिए खड़ेगा, जब असं सिस्टर जी के कोल गए मैं तुम्हें इसलिए दसना बहुत जरूरी आ, जब असं गए ना इन्हों के कोल असं प्रार्थना करके चलन लगे तो सिस्टर जी ने अपना पर्स खोलिया तो कहते मेरे को दान लैके जाओ। मैंने अज भी वह जो सीन है मेरी अखा से कदों कद हटता नहीं, जो इन्होंने कहा ना कि यह जो दान है मेरे को लैके जाओ मेरे पैरों के थले जमीन निकल गई, कि असं आए थे भरा सारे इकट्ठे होकर साडा काम से इन्हों की सपोर्ट करनी, पर सू कह रहे हैं उन्होंने दिल के बच्चे गल आ कि रब के सेवक आए तो मैं उन्होंने हेल्प करनी, उन्होंने दान देना, तो रब के सेवक जो दुआ करने के लिए गया से उन्होंने कोई फर्ज नहीं, उन्होंने भी फर्ज से जब एक भरा का पता लैन गया तो उन्होंने फर्ज है। मैं तुम्हें इसलिए दसना जरूरी समझिया कि हौसला पंजाबी मिनिस्ट्री के जिन्हें भी मैंबर आ अगर मेरी दुआ है खुदा साहब को सलाम रखे और अपनी कृपा को उन्हें बना के रखे, पर फिर भी असं दुनिया के रहने बीमारी इंसान पर आ जाती है, अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट की प्रॉब्लम होती कोई बीमार हों तो असी पहल के तौर पर घट्टो घट नहीं तो 10,000 रुपया 15,000 जिन्ना भी साढ़े को होवे हौसला मिनिस्ट्री वालों असं उत्तर पहुँचता करते हैं। दौड़ों के पास अमरजीत जी पिछे बैठे आ उन्होंने पता असी दौड़िए दौड़े इस गल से कि अपने भरावान की करिए, इलाज नहीं कर सकते पर जो चाहिए ना उन्हें हौसला हो जाए यार मेरे भरा मेरे पता लैन आए मेरे लिए खड़े आ, इसलिए असं ये काम जरूर करते हैं, पर असी किसी को जगह हजे लैके नहीं दे सकते, इसलिए मजबूर ना करा करो, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है। और मैं धन्यवाद दी आप सब का, आप सब हौसला पंजाबी मिनिस्ट्री में आए हो, सारा का धन्यवाद, हौसला मिनिस्ट्री हमेशा आप जी के नाल खड़ी आ, और जो तुम 500 रुपया सानू कंट्रीब्यूशन दिने और 500 रुपया जोड़ा थोड़ा आ और असं किसी भी होटल के बैठ के खाना नहीं खाते बल्कि असी अपने को ज़्यादा पाते असी एक कुछ लोड़वंद भैन आ जिन्हों की सपोर्ट करते हैं, और कि तुम भी इस मुहिम के करो साढ़े को 23 वीडियो भैन जिन्होंने असं सपोर्ट करते हैं। मैं चाहना कि तुम भी अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दया करिए ता जो इस मुहिम असी बहुत अगे तक लैके जा।
ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਹੈ ਚੁੱਕਲੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੁਮਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰਦਾ ਬੜਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਖੁਦ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੋਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਆਏ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਦਾ ਜਵਾਦਾ ਹੋਸਲਾ ਦਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਵਾਦਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਦੇਵ ਦੇ ਬੀਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਦੇ ਚਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਜਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ